जो डांस नहीं करेगा वो कम से कम भी 1000 रुपए दे। पंडित जी 1000 रुपए दे देना, ये गलत है। जो डांस नहीं करेगा, जिसको नहीं आता वो क्या करेगा। गुलमार्ग की वापसी में बेटा, ये देखो इंडिया का झंडा दूर है, अभी नजदीक तो दिखाऊंगी मैं। ये देखो बेटा हमारा टी टाइम हो गया। पास में मेरे बैठे थे ना, ए टी टाइम का वो सीन लेने दे। हमारा चलता फिरता किचन। मैडम टी टाइम कैसा महसूस हो रहा है आपको? टी टाइम चाय पी के कैसा हो गया? सुकून मिल जाएगा। चलो और क्या खाना है? तो बेटा ये देखो हमारा चाय का उबाल देखो। अभी तो क्या बना रहे हैं भाई? क्या बना रहे हैं शाम को? क्या बनाएगा? शाम को बनाएंगे हरी सब्जी। किससे बात कर रहे हो? मनीष मेरे बेटा। अच्छा हेलो बेटा, देखो ये अब हम गुलमार्ग के रास्ते में हैं। हमारा चलता फिरता किचन है। अब हमारे लिए चाय बन रही है और ये खाने का राशन बन रहा है। देखो ये देखो हमारी बहन को क्या हो गया आज। ये चाय नाश्ता भैया 4 बजे का हमारा शाम की थी। इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ फुल मस्ती। ये निकाल के दिखा देना, देखो देख रहे पंडित को पट भी गिर गई। ब्लड ड्राम नहीं ला ले, एक बार ऊपर के ले ले। फिर कैसे दे रहा है ये बता दे मेरे को, सही लगा ले रेट। 1100 रुपए पड़ेगा। 800 भी नहीं देगा ना, वो तो बात ही नहीं। मैं भैया घड़ी की लग रही बताई, तो घड़ी लग रही है क्या यहाँ चौक पे? वो घड़ी वो चोरी ली ना, चोरी होगी। जब वो मेंटली होता है ना उसमें, वो उसको उसके पापा को उठाते हैं आर्मी लेती है, तो थोड़ा मेंटली स्ट्रेस होता है। वहाँ पे अनाउंस करता है, जाओ उसके साथ खुद ले जाओ। ठीक है, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आज हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। हमारी तैयारी हो चुकी है, सारी पैकिंग हो चुकी है। देखो ये सारा सामान आ गया। तो मेरा गायब कर दिया बेटा। कैसे लग रहा है लद्दाख के लिए जा रहे हैं? तो अच्छा लग रहा है नानी, अच्छा लग रहा है ना। सुबह के 5 बजे हम लद्दाख के लिए रवाना हो चुके होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी झील है। जब से इसके साथ साथ ही चलते आ रहे हैं, अभी तो चलना ही है इस झील के साथ। बहुत लंबा रास्ता है, झील बहुत बड़ी है। देखो बेटा ये सोनबर्ग है, गुलमर्ग के कल और सोनबर्ग है ये सोनबर्ग। ठीक है जी, लास्ट। और इससे जो रास्ता जा रहा है, वो जो आपको रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सीधा बाबा अमरनाथ जाता है। ठीक है जी, हेलीकॉप्टर वहाँ से सीधे आएंगे और इस वैली के बीच में से जाएंगे। ये तो अब छोटा सा बचा हुआ है, नहीं तो ये सारा सब कुछ भर जाता है, सारा का सारा। वो जो पगडंडी है वो जाती है बाबा अमरनाथ पर। वो देखो भाई, ये देखो बेटा अमरनाथ के लिए जो रास्ता है ये है मेन रास्ता, और हम ऊपर दो जिला पास में है। ये चल चल के यहाँ इकट्ठी हो गई है। जब ज्यादा आ जाती है तो वो बड़े भाई साहब आते हैं, वो इसको उठा के चले जाते हैं। ये सारा स्नो है, ये ग्लेशियर है, ये मेल्ट हो रहा है। ये अंदर जितना भी है ना, ये आपको खाली दिखाई देगा। ये छोटे छोटे ग्लेशियर है। ये देखो बेटा, ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पानी बन गया। ग्लेशियर। अभी हम 11,649 की फीट पे हैं। ये जोजिला पास है जो हमने अब पार कर लिया है। ले 326 है और कारगिल 96 किलोमीटर बाकी है, और बाकी ये बोर्ड पढ़ के तुम सब देख लोगे भाई। ये नदी जा रही है, छोटी सी नाला। ये चाय नाश्ते के लिए अभी हम रुके हैं यहाँ, तो सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है बहू। देखो बेटा हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। चलता फिरता रसोई ले रखी है अब हमने। कोई योगा कर रहे हैं, कोई फोटो खिंचवा रहे हैं। हमारी बहुएं चाय बना रही हैं। ये देखो पकौड़े बन रहे हैं, चाय बन रही है, और क्या ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। दिखा दी उन बच्चों को। देखो बेटा योगा कंपटीशन चल रहा है यहाँ। शिष्य आपके मेरे नाम जो योगा
चलो योगा करो जोर जोर से हंसो भाई कैमरा क्लास के बीच में ऐसे नहीं करते बेटे चलो क्लास ये आरटीपीसीआर चेक हुआ है, हमारी गाड़ी चेक हुई है और हम सारे सबके फिजिकली सारी चेक हुई है गाड़ी हमारी, और उसके बाद ये हमारे स्टैंप लगी है कि हम ओके हैं बिल्कुल और हम अपने ग्रुप के साथ जा सकते हैं। और ये लेह तक ये परमिशन हमें हमारे स्टैंप रहनी चाहिए। ये दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है जिसपे इंसान रहते हैं। द्रास सारा फौजी एरिया है, फौज का ट्रेनिंग स्कूल है, कारगिल वॉर स्कूल है और द्रास ट्रेनिंग स्कूल भी है। जो कारगिल लड़ाई हुई थी उसका मेमोरियल है। ये देखो बेटा कारगिल मेमोरियल के यहाँ पहुँच गए हैं, नीचे उतर गए। अब इसके अंदर तो शायद नहीं जाने देंगे लेकिन आप बाहर से जरूर इंजॉय करना। ये है कारगिल मॉल, जैसा मेरे को आता है वैसा बना के कोशिश कर रही हूँ आप सबको दिखाने की। ये आप लोगों की खुशकिस्मती है कि अंदर आके देखने का मौका मिल रहा है, नहीं तो मना कर रहे थे आने के लिए। पूरा ग्रुप एक साथ हो लो, आ जाओ सब। ये देखो बेटा ये शहीद जो हो गए थे उनकी फोटो वगैरह रखी, ये जितने भी शहीद हैं उन शहीद लोगों की याद में ये इनके स्मारक बनाए हुए हैं, जिन्होंने ज्यादा मारे उनके फोटो लगा रखे। बेटा देखे स्टैचू बना रखे हैं उनके, ये देखो ये गन यूज हुई थी वो फोर्स तो होगा बेटा। ये देखो एकदम नजदीक से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो बेटा वहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे। छोटी वाली दोनों मैंने आपको दिखाई, कोशिश कर रही हूँ कि आपको सब कुछ दिखाऊं लेकिन एडजस्ट कर लेना बेटा। ये देखो बेटा कोई स्मृति भवन है, एक फौजी खड़ा कर रखा है बंदूक दे के, स्टैचू बना रखा है उसका, दिख रहा होगा आपको। देखो देखो बेटा बादलों की छाया, देखो बेटा इधर हमारी रसोई शुरू होगी है जनता फिल्म का रसोई का। ये देखो बेटा यहाँ आड़ू का बाग है, यहाँ खाना बना रहे हैं हम तो। इधर बाग है आड़ू का, देखो कितने आड़ू लग रहे हैं, दिख रहे हैं आड़ू का बाग है ये इधर। ये देखो आड़ू देखो तुम, मोटे मोटे आड़ू लगे पड़े हैं बहुत सारे, दिख रहे हैं ऊपर तक भरा पड़ा है। अभी खाना बना रहे हैं, दो ढाई घंटे लगेंगे और यहाँ सब्जी जो 20 मिनट में पकती है वो डेढ़ घंटे में बनेगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण हम पहाड़ों के बीच में हैं बिल्कुल। देखो ये देखो ये आसमान देखो बेटा, नीला आसमान है एकदम। ये सब्जी बनेगी, आलू बैंगन की सब्जी बनेगी अभी, और ये सब रेस्ट कर रही है। ये हमारे राजू भैया है, ये आटा गूंथ रहे हैं और ये दाल में नमक ज्यादा डाल देते हैं। और ये साथ में जो आए हैं वो जीजा जी के बारे में, और ये हमारे जीजा जी हैं योगा पर कुछ नहीं करते हैं। देखो बेटा ये देखो बेटा हमारी पूरी फैमिली खाना खा रही है। हेलो बच्चों कैसे हो आप सब, अभी लद्दाख के लिए निकल रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा साहिब के लिए जा रहे हैं। और ये देखो ये हमारा होटल है, ठीक है हम क्या बीमार हो गए ठीक से बोले तो आप ना अपनी गाड़ी निकाल ना सर, जब उधर आप स्टैचू के लिए निकल रहे हो ना। हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं 3 बजे वापस, लंच यहाँ है नहीं पत्थर साहब गुरुद्वारे में, क्योंकि यहाँ से आना जाना हाँ। किचन कैरी नहीं करते, शाम को आज पार्टी है, डिनर आज सब वही बाहर नहीं करेगा, डिनर सामने डाइनिंग हॉल है, जो यहाँ का सिस्टम है उसी सिस्टम से सब करेंगे, कोई बाहर प्लेट लेके नहीं आएगा, अंदर ही सबने खाना है, अंदर ही बैठे।
डांस उसके लिए सब कुछ म्यूजिक लगेगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पियो, चिप्स खाओ, वो खाओ। जो डांस नहीं करेगा वो कम से कम भी 1000 रुपए दे। पंडित जी 1000 रुपए दे देना, ये गलत है। जो डांस नहीं करेगा, जिसको नहीं आता वो क्या करेगा ना, वो कुछ भी करेगा। हमारी बस आ चुकी है बच्चों, देखो अब सारे जा रहे हैं। चलो भाई चलो, सब चलो जल्दी जल्दी। काले काले पंडित जी तो तुमने चिप्स मंगाई थी, मैं लेकर आई थी। ये देखो बेटा, दो तरह का पानी है, इधर संगम है और फिर ये पानी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। अभी देखना, एकदम क्लियर दिख रहा है, दो तरह का पानी दिख रहा है इधर, दो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है दो तरह का। ये देखो बेटा, देखो ये पत्थर साहिब गुरुद्वारा। ये देखो बेटा, अभी हम शांति स्तूपा के लिए आए, बौद्ध मंदिर, धर्म का बौद्ध धर्म का मंदिर, आ जाओ। हम यहाँ है बेटा, देखो लंदन, ये पूरा लंदन का सीन है, था वो है लंदन। लो बेटा देखो, ले पैलेस, ये देखो बेटा पूरा लद्दाख, ना सॉरी ले लद्दाख, यहाँ से देखो ये 8वीं मंजिल से आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, ये देखो पूरा ले लद्दाख, ये है मॉनेस्ट्री बेटा। हाँ जी मैडम, क्या खा रहे हैं? टिक्की, गोलगप्पे भी खा चुके हम। अच्छा गोलगप्पे खा रहे हैं। तो मैडम कैसे लगे आपको गोलगप्पे? बहुत बढ़िया लगे जी, बहुत अच्छे। हमारे हलवाई साहब कैसा काम करते हैं? बहुत बढ़िया, दो चार उछाल ले जाओ। ये हमारे हलवाई भाई देखो कितनी प्यारी टिक्की बन रही है, हमारे सेवा का मौका दो, आप भी दो। हाँ भाई साहब गोलगप्पे वाले सारे काम करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, टू इन वन नहीं, ऑलराउंडर सब कुछ। बल्ले बल्ले